कुछ खबरें होती हैं खास, कुछ खबरें होती हैं हटकर, और कुछ खबरें होती हैं जो आप पर और हम पर करती हैं सीधा असर। चलिए देखते हैं उसी तरह की खबरें। देशभक्ति की बात तो सभी करते हैं, लेकिन देशभक्ति क्या होती है जहां लोग धर्म के नाम पर मर मिटते हैं और सेना जो है बॉर्डर पर देशभक्ति का जज्बा लिए देश की सेवा करती है। तो क्या कुछ ऐसा भी है जो हम भी कर सकते हैं देशभक्ति के लिए, या कोई ऐसी भावना जो हम अपने भविष्य, वर्तमान, भूत तीनों को एक साथ खड़ा कर सकते हैं? इसी तरह का कुछ लगातार तेलंगाना के एक टाउन है जमी कुंटा, वहां पर देखने को मिलेगा। करीम नगर डिस्ट्रिक्ट के पास है, लगभग 145 किलोमीटर है दूर हैदराबाद से, लेकिन यहां का नजारा आपको ऐसा लगेगा कि देश का सबसे अच्छी जगह है ये, क्योंकि यहाँ रोज देशभक्ति गीत होते हैं, रोज एक समय पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद के गानों के लिए कोई इकट्ठा नहीं होता, नमाज के लिए या आरती के लिए इकट्ठा नहीं होता। ये भारत देश है और भारतीय होने के नाते यहाँ पर राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रीय गीत होता है। और आपको बता दें कि लगभग नेशनल एंथम को चलाने के लिए 16 लाउड स्पीकर लगे हैं। सभी कोशिश करते हैं कि एक जगह पर पहुंच जाएं खड़े होकर, और ये एक दिन की बात नहीं है, रोज इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर होता है। लेकिन किसी कारण से आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं, आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, क्योंकि देश हमारा है, धरती हमारी है और भारत हमारा है। अगर हम किसी देश में सुरक्षित हैं तभी हम किसी धर्म का पालन कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ धर्म सब भूलकर लोग देशभक्त बन जाते हैं, और जहाँ जो खड़ा है सलामी देता है देश को, राष्ट्रगान को नमन करता है, राष्ट्रगान गुनगुनाता है, और देशभक्ति की भावनाओं के साथ हर दिन भारत माता को धन्यवाद बोलता है जिसने हमें इतना सुंदर देश दिया है, जिसने हमें इतनी सुरक्षा दी है। तो भारत माता की जय के साथ ही ये गान सभी को प्रेरणा देता है। कुछ ना कुछ अगर आप करना चाहते हैं जिंदगी में, तो देश के लिए भी कुछ करिए।